सुने कहानी रीना का दिन। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है, दातून से अपने दांत साफ करती है, साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है, वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती हैं, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती हैं। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। फिर वह अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। बातचीत के लिए रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? रीना की दादी रात को सोने से पहले मीना से क्या कहती है? आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं? घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं? अगर आपको रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाएं तो आप क्या कहते हैं? इन पशु पक्षियों के घर का नाम बताइए और उन्हें उनके घर तक पहुंचाइए। गाय कहाँ रहती है? गाय तबेले में रहती है। चिड़िया कहाँ रहती है? चिड़िया घोंसले में रहती है। खरगोश कहाँ रहता है? खरगोश बिल में रहता है। मछली कहाँ रहती है? मछली पानी में रहती है। हाथ हैं मेरे छोटे छोटे, काम करूं मैं बड़े बड़े। सोचिए और बताइए, आप घर में कौन कौन से काम करते हैं? सही का चिन्ह लगाइए। सफाई करते हैं, ब्रश करते हैं, बाल बनाते हैं, भोजन करते हैं, मिट्टी से घर घर खेल की चीजें बनाइए, जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर खेलिए।